Hi everyone, welcome you all in Student Globe channel. Today we are going to design a flowchart for given problems. So your title is draw a flowchart to sum the following series of n terms. So yeah, three problems are taken. So we have to design the flowchart for given series. So first series is 1 factorial multiplied by 1 plus 2 factorial multiplied by 2 plus 3 factorial multiplied by 3 and so on. So last term will be n factorial multiplied by n. And second series is 1 factorial divided by 1 plus 2 factorial divided by 2 plus 3 factorial divided by 3 and so on. So last term will be n factorial divided by n. So you can see what is the common in first and second series. So factorial term is common. And multiplying factor or division factor is also common. So one operator difference in two questions. So in first sum multiplication operator is there in between factorial and multiplication factor, and in second problem division operator instead of multiplication operator. So hum log first problem ke liye yadi flowchart design kar sakte hain, then easily we can design flowchart for second problem. So let's design flowchart for first problem, but I will expect from you try yourself before seeing the solution. तो हम लोग flowchart जब भी किसी भी problem के लिए design करते हैं, then हमें कुछ rules को follow करना पड़ता है कि हम लोग start करते हैं, उसमें कुछ conditions होगा तो उसके लिए symbol क्या होगा. तो हम लोग यहाँ पे one by one देखेंगे. So start किया तो इसको हमने elliptical box में रखा है. एंड स्टार्ट करने के बाद हमें करना क्या है इसमें कि जो हमारे पास वेरिएबल होंगे उसको लेना, इनपुट को रीड करना. सो हमने एन नंबर को रीड किया. जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ पे यदि देखें तो हमें लास्ट टर्म क्या होगा, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन. इसका मतलब कि किस नंबर तक हमें सीरीज को प्रोसीड करनी है. तो हमने एन सपोज किया. यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स भी असाइन किए हैं, आई एंड सम. आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से एंड सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से. अब हमारा मेन टास्क स्टार्ट होता है कि कंडीशन चेक करना. तो कंडीशन यहां पे क्या चेक कर रहे हैं कि आई की जो वैल्यू है 1 से एन तक जाएगा. तो कंडीशन यदि फॉल्स है तो नो के लिए जाएगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो यस पार्ट में जाएगा. तो यस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हमारा जो भी काम होगा इस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए यस पार्ट में होगा. तो वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि यदि आप फ्लोचार्ट किसी भी प्रॉब्लम का डिजाइन कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम लिख सकते हैं. आप जब एल्गोरिदम लिख सकते हैं देन यू कैन इजली राइट द कोड, या तो ये सी में हो, पाइथन में हो, जावा में हो. सो एल्गोरिदम जो है और लॉजिक जो है सभी के लिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कॉमन होता है. तो हम लोग यहां पर देखें कि आई का वैल्यू क्या है, लेस एंड इक्वल टू एन है. आई को इनिशियलाइज किया है 1 से. तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज कर सकते हैं कि आप एन को रीड कर लो. सपोज हमने एन को रीड किया 4, तो 1 लेस देन 4, यस. तो जब ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे इस पार्ट में आएंगे. तो इस पार्ट में हमें करना क्या है, दो वेरिएबल हमने असाइन किया और इनिशियलाइज किया, जे इज इक्वल टू 1 एंड फैक्ट इज इक्वल टू 1. ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सिंपल फैक्टोरियल नहीं है. यहाँ पे फैक्टोरियल हर इटरेशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 1 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल. इसका मतलब यह है कि आप यदि फैक्टोरियल के लिए फ्लोचार्ट लिख सकते हैं देन दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू. तो हम लोग यहाँ पे देखें कि फैक्टोरियल भी इसी में हमने इंक्लूड किया है. तो फ्रेंड्स यदि जे की वैल्यू 1 है, हमने वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो जी हमारा एक नया वेरिएबल है जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर पाएंगे. तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि आई का वैल्यू यदि 1 है, उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एन तक जाएगा. तो यहाँ पे लोग कंडीशन चेक करेंगे कि जे का वैल्यू लेस एंड इक्वल टू आई है या नहीं. तो जे का वैल्यू यदि लेस एंड इक्वल टू आई है तो हम लोग यस पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल. तो फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, इनिशियलाइज किया गया है 1 से. तो फैक्ट यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट लिया है, फैक्ट स्टार इक्वल टू जे. तो इसका क्या मीनिंग होता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का, कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई जे, एंड जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है. उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा. इसका मतलब है कि फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए इस काम को हम कर रहे हैं. तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमने अज्यूम किया है कि एन का वैल्यू 4 है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से 4 तक चलेगा. तो 1 आई का वैल्यू जो 1 है, कंडीशन ट्रू, जे 1 फैक्ट 1, तो जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, तो 1 लेस एंड इक्वल टू 1, तो यहां पे आएगा यस पार्ट में. तो फैक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्ट इनटू जे, तो फैक्ट भी 1 है, जे भी 1 है. तो फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया, 1 इंटू 1, 1. अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, सो जे का वैल्यू 2 होगा. उसके बाद फिर से वापस
यहाँ पे आएगा और कंडीशन दोबारा चेक करेगा कि जे का वैल्यू टू हुआ तो टू लेस एंड इक्वल टू आई है क्या, तो नो, क्योंकि आई का वैल्यू वन था। तो जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो नो पार्ट में जाएगा और सम हमारा इनिशियलाइज किया गया था जीरो से। अब सम में हमारा वैल्यू यहाँ पे हम लोग फिर से शॉर्ट हैंड असाइनमेंट यूज किए हैं, सम प्लस फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट का वैल्यू क्या था, वन इंटू वन, मतलब वन इंटू वन का मतलब क्या, वन फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए वन को वन से और आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमको, क्योंकि लूप लूप में हमको रखना है, तो वंस अगेन वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम दिस वैल्यू टू यहाँ, मतलब हमें यहाँ वापस आना पड़ेगा आई का वैल्यू इंक्रीज करने के बाद। सो हमें यहाँ पे इसको लूप में रखना पड़ेगा। सो वी हैव टू ड्रॉ, सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सम जैसे ही कैलकुलेट किए, वंस अगेन वी आर गोइंग टू एट दिस पोजिशन। तो अब हमारा आई का वैल्यू बढ़ चुका है, तो आई का वैल्यू हमारा क्या हो गया, टू हो गया। तो टू लेस एंड इक्वल टू फोर, यस। फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, जे का वैल्यू वन, फैक्ट का वैल्यू वन, फिर से इनिशियलाइज किया गया। अब जे का वैल्यू वन है, आई का वैल्यू टू है, इसका मतलब ये दो बार लूप चलेगा। तो फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट में हमारा वन है तो वन इंटू जे, तो जे भी अभी वन है तो वन इंटू वन वन हो गया। जे प्लस प्लस मतलब टू होगा, फिर से यहाँ पे आएगा और जे का वैल्यू टू, आई का वैल्यू भी टू, तो लेस एंड इक्वल है तो फिर से टू होगा। तो फैक्ट में क्या हो जाएगा, पहले से वन इंटू वन था, तो अब क्या हो जाएगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू जे, तो जे का वैल्यू क्या है, टू। सो वन इंटू टू, तो वन इंटू टू का मतलब क्या हुआ, टू फैक्टोरियल। फिर जे प्लस प्लस इसका मतलब थ्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से कंडीशन फॉल्स होगा, तो नो पार्ट में जाएगा और सम में हमारा पहले से स्टोर क्या था, वन फैक्टोरियल इंटू वन। अब आई का वैल्यू फिर से, अब क्या हो जाएगा, सम का वैल्यू, तो सम क्या आ गया, वन फैक्टोरियल इंटू वन प्लस टू फैक्टोरियल इंटू टू। अब आई का वैल्यू थ्री होगा, तो थ्री होने के बाद फिर से एक कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कि थ्री का वैल्यू लेस एंड इक्वल टू एन है क्या, एन हम लोग अज्यूम किए फोर, तो थ्री लेस एंड इक्वल टू फोर, यस। तो यस पार्ट में फिर से जाएगा, जे का वैल्यू वन, फैक्ट का वैल्यू वन, तो ये अब जे का वैल्यू थ्री तक जाएगा, सो वन से थ्री तक जाएगा, इसका मतलब क्या, फैक्ट का वैल्यू क्या होगा, वन इंटू वन, जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर से क्या हो जाएगा, वन इंटू टू, फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो वन इंटू टू इंटू थ्री एंड सो ऑन, फिर से कंडीशन फॉल्स होगा। तो हम लोग वन पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, वन फैक्टोरियल इंटू वन, टू फैक्टोरियल इंटू टू, एंड वन इंटू टू इंटू थ्री का मतलब क्या है, थ्री फैक्टोरियल, सो थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री होगा। और इस तरीके से हमारा फिर से चलेगा, आई का वैल्यू फोर के लिए भी एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में जब आई का वैल्यू फाइव होगा तो यस पार्ट में नहीं जाकर के नो पार्ट में जाएगा। और नो पार्ट में जाएगा तो प्रिंट क्या करेगा, सम को प्रिंट कर देगा। तो सम जैसा कि आपको हमने बताया कि क्या है, वन फैक्टोरियल इंटू वन, टू फैक्टोरियल इंटू टू एंड सो ऑन, एंड फाइनली इट विल स्टॉप। So this is all about first problem or first series. तो friends आप देख सकते हैं कि first series and second series में बस operator का difference है। तो जहां पे हमने multiplication use किया है वहां पे हम लोग division operator use करेंगे, और division operator जैसे use करेंगे तो हमारा second problem का flowchart design हो जाएगा। मतलब हम लोग इस position पे यदि हम लोग operator division operator use करें तो हमारा second series के लिए flowchart design हो जाएगा। So this flowchart is for first problem or second problem, or we can say that first series and second series. Hope you understand the concept how to draw flowchart for given series. आपको यदि किसी तरह का doubt हो तो आप comment box में comment कर पूछ सकते हैं।